YouTube थंबनेल अच्छा तो भाई YouTube पे व्यूज अच्छे, चैनल की ग्रोथ अच्छी तो रेवेन्यू आपका अच्छा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आप अपना प्रोफेशनल तरीके से थंबनेल कैसे बना सकते हो, वो भी फ्री में, और मैं पर्सनली अपना थंबनेल किस तरीके से बनाता हूँ, कितनी देर में बनाता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास चाहे मोबाइल फ़ोन हो चाहे आपके पास कोई पीसी हो, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मोबाइल में आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाके कैनवा सर्च कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, 150 MB कुछ की है, ठीक है। और अगर आपके पास पीसी है तो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल उसमें एक्यूरेट डिज़ाइन बन जाता है आपको जैसा चाहिए। तो पीसी में मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, मेरे पास खुद अभी पर्सनल पीसी है, मैं पीसी में दिखा देता हूँ आपको कैसे बनता है। आपको canva.com लिखना है, फिर यहाँ पे आपको साइन इन करना है, मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ। फिर यहाँ पे आपको YouTube थंबनेल लिख लेना है, फिर यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन ले लेना है आपको। फिर यहाँ पे आपको अपलोड्स में जाना है, आपको जो अपनी फोटो लगानी है इसमें, मतलब जो भी आपको फोटो थंबनेल में चाहिए वो यहाँ से आपको अपने डिवाइस से अपलोड कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है तो मैं ये ले लूँगा। पहले मैं अपना बैकग्राउंड ले लेता हूँ जो मुझे चाहिए, मैं ये बैकग्राउंड इसे अच्छे से सेट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड सेट करने के बाद मैं अपनी फोटो ले लेता हूँ। फोटो को जितना बड़ा करना है आप कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब फोटो ले लेने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट मिल जाएगा, टेक्स्ट आप यहाँ लिख सकते हो, मेक प्रोफेशनल थंबनेल। तो ऐसा कुछ मैंने लिख लिया है, मैं थोड़ा इसे साइड कर लेता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा इतना बहुत है। जैसा आपको अपना पर्सनल वे में अच्छा लगे आप उस तरीके से बनाना, क्योंकि हमें अपनी ऑडियंस को अच्छे से अच्छा थंबनेल देना है ताकि वो हमारा क्लिक पर रेट अच्छा बन जाए। तो इसे आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से सेट कर लो। अब हम इसमें थोड़ा एलिमेंट्स लगा लेते हैं बैक में, जैसे मेक के बैक में थोड़ा लगा लेते हैं। ये वाला मैं हमेशा से यूज़ करता आ रहा हूँ। यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे वाइट ले लेता हूँ, थोड़ा ठीक सा लग रहा है। अब मेक का थोड़ा पीछे से छोटा कर लेते हैं। अब हमें प्रोफेशनल में लगाना है, ये यहाँ लगा लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। अब यहाँ पे इस कलर में ब्लैक ले लेते हैं और यहाँ से हमारा वाइट शायद ऑलरेडी ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें यही सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है, यहाँ से ये ले लेते हैं, इतना यहाँ पे और इतना थोड़ा सा, इतना बहुत है, यहाँ ले लेते हैं। अब इसे यहाँ कर लेते हैं। अब इसे ब्लैक लेके इसे वाइट ले लेंगे, बस
इतना हमारा परफेक्ट बन चुका है। अब इसे आप यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हो, तो मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ, इतना बहुत है मेरे लिए। यहाँ पे बस अब हमें ऐसा कुछ लाइन टाइप ले लेते हैं, कर्व सी यहाँ पे लगाने के लिए। इसे थोड़ा वाइट टाइप, वाइट सा कर लेते हैं, रेड अच्छा लगेगा। नहीं नहीं वाइट ठीक है, वाइट ले लेते हैं। ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं, एक और, एक थोड़ी ऐसे ले लेंगे। इसको भी वाइट ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं, थोड़ी ऐसे, थोड़ा ज्यादा गैप हो गया इनमें। ये भी वाइट ले लेते हैं। अब इतना हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपलोड में जाके फ्रॉम डिवाइस, ये तीनों अपलोड कर लेता हूँ मैं। ये ओपन कर लेते हैं, अपलोड मैंने दिखा दिया आपको कैसे अपलोड होता है। अब यहाँ पे हम तीनों अपलोड ले लेते हैं। अपलोड होने में अगर आपके पास कैनवा की ऐप है, एप्लीकेशन पीसी में भी है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये ऑलरेडी पीसी में है, पर मैं आपको डेस्कटॉप अपने वेबसाइट पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत सारे बंदे नहीं कर पाते डाउनलोड, तो मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, पर मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कैसे होता है। तो इसमें थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं पर्सनली ऐप यूज़ करता हूँ। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी सेम इंटरफेस है, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ सेम है उसमें। अब इसमें हमने ये ले लिया, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। ये लगा लेते हैं, थोड़ा बड़ा रह गया है मुझे लग रहा है। अबे हाँ बहुत बड़ा है, तो थोड़ा छोटा करना है, इतना बहुत है। अब थोड़ा सा टिल्ट करके इसे यहाँ लगा लेते हैं, इसे थोड़ा सा इस साइड करके यहाँ यहाँ ठीक है ये, और यहाँ के लिए ये वाला लगा लेता हूँ। हाँ ये बराबर हो गया। अब इसे हम थोड़ा ऐसा लगा लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे ये थंबनेल ऑलमोस्ट बन चुका है, मेक प्रोफेशनल थंबनेल्स। अब ये आपने भी देखा फ्री है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम यहाँ पे थोड़ा फ्री टाइप लिख लेते हैं, ऐसा कुछ फ्री फ्री, थोड़ा छोटा करके यहाँ पे इसे थोड़ा सा ऊपर कर लो। तो यहाँ पे ये फ्री लेके अब एक एलिमेंट फायर वाला ये ले लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा और छोटा करना है इसे,
ये हो गया है, अब हम एक एलिमेंट में जाके यहाँ पे यूट्यूब का लोगो ले लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब के लिए थंबनेल बना रहे हैं हम, तो यूट्यूब का लोगो ले लेंगे यहाँ पे। एक और रोक लेनी पड़ेगी भाई, इसको येलो कर लेते हैं। अब इसकी पोजीशन पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, पीछे चाहिए पीछे लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से हमारा थंबनेल बन चुका है। अब हम पर्सनली कैनवा यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैनवा का लोगो, कैनवा ये है, ये कैनवा ले लेते हैं ये वाला। तो हमारा यहाँ पे कैनवा हम ले ले लिया है हमने। अब थोड़ा पर्सनल मेरा तो मतलब ठीक लग रहा है कोई ना, अब ठीक है, या फिर बहुत सारे हैं कैनवा के तो नहीं, पर ये ठीक है। टेक्स्ट भी हमारा ठीक हो गया है, वीडियो तो लगानी नहीं, बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है, फोल्डर नहीं चाहिए। बैकग्राउंड आप इसके अलावा और भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बैकग्राउंड डाउनलोड करके ही इसमें लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना बैकग्राउंड यहाँ से भी चूज कर सकते हो, डायरेक्टली इसमें आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है कि आपको कुछ भी गूगल या फिर कहीं से भी डाउनलोड करके अपने डिवाइस में नहीं डालना अपनी फोटो के अलावा। आप यहाँ पे जैसे एलिमेंट में आप कुछ भी सर्च करोगे ना, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ए टू जेड सब कुछ, सारे लोगो मिल जाएंगे। गूगल आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको गूगल की भी फोटोज मिल जाएंगी, पर्सनल देखो गूगल की सारी फोटोज मिल जाएंगी आपको। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपको डाउनलोड करना पड़ेगा कैनवा का, वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वेबसाइट पे जाओ, सब कुछ वेबसाइट पे मिलेगा आपको इनकी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड ये कैसे होता है। इसमें यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, ये देख रहे हो, यहाँ पे आपको PNG लेना है, हाई क्वालिटी इमेज सजेस्टेड भी आता है, ये डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा, प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन, ये डाउनलोड हो गया हमारा। अब यहाँ पे डाउनलोड होने में 1 मिनट हो गया डाउनलोड, ओपन कर लेंगे अभी हम इसे। अब देखो आपके सामने मेरा डाउनलोड हो चुका है थंबनेल, यही थंबनेल मैं अपनी वीडियो पे डाल दूंगा। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस चैनल पे A to Z सारी मिलेंगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।